टाटा मोटर्स ने ऑटो एक्सपो 2023 के दूसरे दिन धमाकेदार एंट्री की है और एक के बाद एक तीन कार्स का लॉन्च किया है। दो है इलेक्ट्रिक व्हीकल और एक है पेट्रोल बेस्ड। और सामने आप देख रहे हैं ये शानदार कलर हैरियर ईवी, यानी कि ईवी एक बार फिर से इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ टाटा ने ऑटो एक्सपो में एंट्री की है। और अगर इस ईवी की बात करें तो फीचर्स से पूरी तरीके से ये लबालब है, क्योंकि देखिए आप फ्रंट इसका देखेंगे तो आपको थोड़ा कर्व लुक नजर आएगा, शाइनिंग कलर है इसका और आपकी जो विंडस्क्रीन है उस पे फ्रंट मिरर दिया गया है। साथ ही साथ एक्सटीरियर लुक के साथ साथ इंटीरियर लुक का भी बेहद ध्यान रखा गया है। कंफर्ट फिट यहाँ पर दिया गया है, लेदर का लुक दिया गया है सीट्स में और एक्सटीरियर तो बेहद शानदार दिख ही रहा है, साथ ही साथ इंटीरियर भी बेहतरीन है। ये है हैरियर ईवी। और अगर दूसरी कार की बात की जाए तो यह है सियेरा ईवी मॉडल। इसमें आपको वो कर्व लुक नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको काफ़ी फ्लैट लुक मिलेगा, जबकि अगर हैरियर से कंपेयर करें तो वहाँ पे आपको थोड़ा लुक कर्व मिला है। अगर इसके इंटीरियर की बात करें तो मैं आपको इंटीरियर दिखाना चाहूँगी, क्योंकि बेहद स्लीक और फाइन है इसका इंटीरियर। एक बार फिर से कर्व लुक दिख रहा है और ये पेट्रोल बेस्ड कार है। लगातार ईवी का हम पहले दिन बोलबाला देख रहे हैं, लेकिन दूसरे दिन टाटा जो आया है वो ईवी के साथ साथ पेट्रोल में भी कार लॉन्च किया है। 2023 और 2024 टारगेट रखा है टाटा ने, जो कि बाज़ारों में आ जाएगा। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में ये तमाम कार्स जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लेक्सस RX 350H लग्जरी हाइब्रिड कार, और इसका आज लॉन्च हो चुका है और जून महीने में ये भारतीय बाज़ार में आप लोगों के लिए उपलब्ध भी हो जाएगी। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में ये कार ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन भारतीय बाज़ार में इसकी एंट्री होगी जून में। फिलहाल जो टोयोटा ने उसने अपने प्राइस को अनवील नहीं किया है, लेकिन अगर आप इसकी खूबसूरती देखें, एक्सटीरियर के साथ साथ इंटीरियर भी इसका बेहद धमाकेदार है। अगर इसके कुछ खास फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर अगर हम इंटीरियर फीचर्स देखेंगे तो यहाँ पर विंडस्क्रीन है, जिसकी वजह से जो ड्राइविंग सीट पे बैठा व्यक्ति है उसकी अटेंशन राइट या लेफ्ट नहीं होगी, उसको सामने से ही तमाम जो एक्सेस है उसकी मालूमात हो जाएगी। वहीं अगर इसके फीचर्स की बात करें तो ये एक हाइब्रिड कार है, यानी कि इसमें एक पेट्रोल का फीचर जो है वो भी दिया गया है। 2.5 लीटर फोर सिलेंडर इंजन मिलता है और इस इंजन को हाइब्रिड ट्रांस एक्सल और एक रियर E4 इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा गया है, यानी कि लेक्सस लाया है अपनी एक शानदार लग्जीरियस कार RX 500N। और जिस तरीके से इसका आज लॉन्च हुआ है, धमाकेदार एंट्री टोयोटा ने इस लॉन्च के साथ की है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नाम पहला दिन रहा और दूसरे दिन टोयोटा अपनी इस शानदार लग्जीरियस कार के साथ ऑटो एक्सपो में एंट्री कर चुका है। देश ही नहीं दुनिया भर की नामी गिरामी कंपनियों के साथ साथ ऐसी कंपनियां भी ऑटो एक्सपो में शिरकत करती हैं जो कि एक खास वजह से अपना नाम बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसी एक कंपनी है रायपुर की गोदावरी, और कई सेगमेंट में ये एंट्री करने की कोशिश कर रही है। यहाँ आप देखिए एक शानदार ऑटो नज़र आएगा, वहीं साथ ही साथ बाईसाइकिल है और टू व्हीलर्स भी हैं। चूँकि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेंड में है तो ये तमाम व्हीकल्स इलेक्ट्रिक हैं। और इस वक्त हैदर अली खान जी जो डायरेक्टर हैं गोदावरी के, वो इस वक्त न्यूज़ 24 के साथ मौजूद हैं। सर, इतनी लीडिंग कंपनियों के बीच में गोदावरी को आप कैसे एस्टैब्लिश करें? देखिए, हमने आपने जो देखा कि सबसे बड़ी रेंज आज हमने डेवलप किया है, और कोई भी गाड़ी आप देखिएगा, हमने कोई पार्ट बाहर से नहीं लिया है, हर चीज़ स्क्रैच से डिज़ाइन किया हुआ है। हमने कंज्यूमर से बात किया, कंज्यूमर से हमने इंसाइट्स लिए हैं, तो तीन इंसाइट्स हमको मिले हैं उनसे कि ईवी में सेफ्टी सबसे नंबर वन है, कंफर्ट नंबर टू एंड आपका परफॉर्मेंस नंबर थ्री। ऑटो एक्सपो 2023 में कार्स ही नहीं बाइक्स की भी धूम है, और लोग कार से ज़्यादा बाइक्स को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है वो तेज़ी से बढ़ी है। और इस वक्त हम हैं ऑटो एक्सपो 2023 के बनले के पवेलियन में, और ये है सुपर बाइक, इसे क्रूज बाइक भी बोला जाता है। MG ने लॉन्च की है आज
अपनी ये मल्टीपर्पस व्हीकल, ये आमतौर पर अगर आप इसको देखेंगे तो ये मल्टीपर्पस व्हीकल की तरह नज़र आएगी, लेकिन यूनिक 7 की खास बात ये है कि ये हाइड्रोजन फ्यूल से चलती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली कार का ही इस्तेमाल करते हैं और MG बनी है वो तीसरी कार कंपनी जो कि हाइड्रोजन फ्यूल से कार को बना रही है। ये बेहद शानदार जो लुक है वो है MG की नई यूनिक 7 का, और इसमें 6.4 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस आती है। 3 टैंक्स इसमें हाइड्रोजन के भरे जाते हैं, और अकबर 3 टैंक्स हाइड्रोजन के भर जाते हैं उसके बाद 650 किलोमीटर तक ये गाड़ी दौड़ सकती है। हम लगातार देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी एक बार चार्ज हो जाने के बाद 550 से 650 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, और इसमें लगभग 3 हाइड्रोजन फ्यूल के टैंक्स मौजूद हैं। यहाँ पे आप देखिए साफ तौर पे यहाँ पे लिखा भी हुआ है हाइड्रोजन H2 फ्यूल सेल। साथ ही साथ MG का ये भी दावा है कि लुक्स तो शानदार है ही, इंटीरियर और एक्सटीरियर फीचर्स तो हैं ही, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने की वजह से ये जो गाड़ी है ना तो वो धुआं छोड़ेगी बल्कि जो धुआं है उसे साफ भी करेगी, यानी एयर पोल्यूशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगी MG की ये लाजवाब कार। आज ऑफिशियली केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटो एक्सपो 2023 की शुरुआत कर दी है, और 13 तारीख को है बिजनेस डे और 14 से 18 तक इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में चलने वाले ऑटो एक्सपो 2023 का बेसब्री से इंतजार था, और लगभग 3 साल बाद ये ऑटो एक्सपो यानी कारों का मेला जिसे मोटर शो भी कहा जाता है वो लग चुका है। पहला दिन रहा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी EV के नाम, और दूसरे दिन में हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों का भी बोलबाला रहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खुद हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी में आते हैं, और आज MG ने भी हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी की लॉन्चिंग की है जो बहुत जल्द सड़कों पर भी देखने को मिलेगी। वहीं मारुति ने भी अपनी एक और SUV जिम्नी लॉन्च की है, और वे फ्रॉन्क्स की बात करें तो ये कंपनी की ओर से एकदम नई SUV है। इसे कंपनी की ओर से 5 वेरिएंट में पेश किया जा रहा है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों का बोलबाला, और साथ ही साथ इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां भी ऑटो एक्सपो की शान रही। ऐसा माना जा रहा है कि कार कंपनियां पूरी तरीके से ये कोशिश कर रही हैं कि वो फ्यूचर में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ अपने कस्टमर्स को हैरान कर सकती हैं, अपने कस्टमर्स को लुभा सकती हैं, इसका बड़े पैमाने पर शोकेस इस ऑटो एक्सपो में करेंगी। हालांकि इस ऑटो एक्सपो में इस बार लग्जीरियस जो कार कंपनियां हैं मर्सिडीज BMW वो शिरकत नहीं कर रही हैं, उनकी भारी कमी देखी जा रही है, लेकिन आज टोयोटा ने अपने लेक्सस ब्रांड की एक लग्जूरियस कार भी लॉन्च की है जो 2024 तक भारतीय बाजार में उतर जाएगी। कैमरामैन अभय के साथ दिव्या अग्रवाल, ग्रेटर नोएडा, न्यूज़ 24।